दुआ करो मेरा बेटा सही सलामत वापस आ जाए। एक माँ से उसका बेटा छीन चुकी हो और अब मेरे बेटे को छीनना चाहती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है तो ये क्या है, बोलो जवाब दो। झूठ है ये, ये सब इनकी प्लानिंग है, ये मुझे इस घर से निकालना चाहती है। इस लड़के के साथ बैठने को तुम्हें महमिल ने कहा था? मैं नहीं बैठी, लेकिन महमिल ने बिठाया जरूर है। उस तस्वीर में मैं जरूर हूं, लेकिन लेकिन मैं उस लड़के को नहीं जानती। इतने बड़े सबूत को झुटला कैसे सकती हो तुम? बिल्कुल झुटला सकती हूं। टेक्नोलॉजी, आप जैसे कहेंगी, जिसके साथ कहेंगी, बिल्कुल वैसी तस्वीरें बना दूंगी आपकी। अब चाहती ही नहीं है कि मैं इस घर में रहूं। मम्मी, ये टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर मेरी जिंदगी को नुकसान पहुंचाना चाहती है। ये फेक तस्वीरें हैं, बिल्कुल फोटोशॉप्ड हैं। ताई अम्मी, ये लड़की बिल्कुल झूठ बोल रही है, ये तस्वीर बिल्कुल सच है। आप कहें तो हमजा की बहन से आपकी बात करवा सकते। हमजा की बहन की गवाही भी उतनी झूठी होगी जितनी की ये तस्वीर। आप पहले दिन से नहीं चाहती कि मेरा घर बसे, तभी कुछ ना कुछ करती रहती यहाँ पर। ओ शट अप, झूठ पे झूठ बोले चली जा रही हो। ताई अम्मी, आपने देखा हम सबके सामने कितनी आसानी से झूठ बोल रही है ये लड़की। झूठे लोगों को अक्सर चिल्लाकर अपना झूठ छुपाते हुए देखा है मैंने। मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी महफिल, बिल्कुल नहीं। ताई अम्मी मेरी बात तो सुने। हेलो अम्मी, मैं इस वक्त कोई वजाहत या सफाई नहीं दूंगी। मुझे बस इतना बता दें कि अगर अपने घर को बचाने के लिए मुझे झूठी कसम उठानी पड़े तो फिर मैं क्या करूं। एमएल के पास मेरे खिलाफ प्रूफ्स हैं, उसके पास तस्वीर है मेरी हमजा के साथ। झुटला दो उन तस्वीरों को, मुकर जाओ। मुकर गई हूँ, झुटला भी दिया, लेकिन लेकिन रिधा का क्या? उसके साथ कॉन्टैक्ट में आके कल को उसने मेरे सामने लाके उसे खड़ा कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगी? उसके पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर आया कैसे? अम्मी, इस वक्त ये सवाल जरूरी नहीं है। मुझे बस इस बात का जवाब दे दें कि अगर अपनी शादी को, अपने घर को बचाने के लिए मुझे झूठी कसम उठानी पड़े तो मैं क्या करूं? तो खा लो झूठी कसम, जान बचाने के लिए झूठी कसम खाना जायज है। जायज रिश्ते को बचाने के लिए नाजायज काम करना पड़ेगा, ये तो कभी सोचा ही नहीं था मैंने। तो इसी बात का तो रोना है, उस लड़के से रिश्ता जोड़ते हुए तुमने कुछ नहीं सोचा। इसी वजह से लड़कियों का माजी सामने आकर उनके हाल को तबाह कर देता है। नहीं, आप अभी भी मुझे मेरे माजी के ताने देंगे? तो तुम जो हमारे लिए ताना बनने के दर पे हो। उसे 100 दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। जो
जी माँ। कहाँ हो बेटा तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? माँ मेरा दिल ही नहीं चाह रहा है कि मैं किसी की सुनूं या किसी से कुछ कहूं। हैदर घर आ जाओ। किसके लिए? मैं समझा था कि दिलनशी नलक है, लेकिन उसने मुझे ही गलत साबित कर दिया। ऐसा नहीं है हैदर, महमिल ने तुमसे झूठ कहा है। दिलनशीन को तुम्हारे दिल से उतारने के लिए उसने ऐसा किया है। कैसे मान लो? तुम घर तो आओ हैदर। मसले बातचीत करने से सुलझते हैं, अलग अलग यूं बैठकर सोचने से तो और मजीद उलझते जाते हैं। आता हूं। जल्दी आओ। शातिर निकली तुम तो। तुम्हें समझने में बहुत गलती की मैंने। मैं सिर्फ अपना घर बचा रही हूं महमिल। ना मेरा इरादा गलत है और ना ही सोच। लेकिन तुमने गलत इंसान से बैर जरूर लिया है। मैं झूठे को उसके घर तक पहुंचा के आती हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। कि मेरे जुड़े हुए हाथ मेरे लिए मेरे अपने ही घर में जगह तंग है। मेरी अम्मी ने अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं मेरे लिए। अगर यहां से भी निकल गई तो कहां जाऊंगी? ये सोचना तुम्हारा काम है दिलजी, बल्कि आज से अपने नए ठिकाने के बारे में सोचना शुरू कर दो, क्योंकि इस घर से और हैदर की जिंदगी से निकाल के रहूंगी मैं। ठीक है फिर, आपने जो करना है घर गुजरे और अपने घर को बचाने के लिए मुझसे जो बन पड़ा मैं करूंगी। भाभी जी, आपको बेगम साहब बुला रही हैं। मैं आपने बुलाया? जाओ बेटा, वजू करके आओ। एक गवाही है जो तुम्हें देनी है। ऐसा नहीं है कि हम तुम्हें झुठला रहे हैं या हमें तुम्हारी बात पे यकीन नहीं है। बस दिल की तसल्ली के लिए जा
चाहते हैं कि तुम कुरान शरीफ पे हाथ रख के कसम खाओ। कुरान? देखो दिलनशीन, मर्द के दिल में आए शक के जहर को पूरी तरह निकाल देना चाहिए, तब जाके खुशगवार जिंदगी गुजरती है, वरना ये खुलता रहेगा। और तुम दोनों के दरमियान जो चंद ईंटों की दीवार है ना, ये दीवारें चीन बन जाएगी और फासला इतना बढ़ जाएगा जिसे ना ये उबूर कर सकेगा और ना तुम। जाओ दिलनशीन। मुझे इस कसम से बचा ले, मैं बेहुरमती नहीं करना चाहती। जी आ रही हूं। ये लो, हाथ रखो। कसम तब खाई जाती है जब यकीन नहीं, आपको यकीन नहीं है मुझ पे। मां, मैं नहीं चाहता हूं कि दिलनशीन ये कसम उठाए।
हैदर, मुझे मेरी नजरों में गिरने से बचा लिया। मैंने तुम्हें नहीं, मैंने अपने आप को बचा। तुम्हारी इज्जत पे कोई बात आएगी मुझ पे भी आएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वहां सबके सामने बात की जाए। कह दो दिलनशी, क्योंकि अब यहां सिर्फ हम दोनों हैं और कोई नहीं। जो भी सच है कह दो। सच मेरे दिल में दफन हो जाएगा, वादा करता हूं तुमसे। आज के बाद तुम इसका जिक्र भी नहीं सुनोगी। बोलो। जो कुछ भी कहा वो और फिर सच है। मैं यकीन कर लेता हूं फिर से। अब अगर यकीन टूटा ना, सब कुछ बिगड़ जाएगा। अकेला छोड़ दो, प्लीज। उसे सात पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी, वो ख्वाहिश चुन न सका।
कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। लेट्स गो। गाड़ी से उतरो। हैदर, अगर आज मैं गाड़ी से उतरी तो तुम्हारे दिल से भी उतर जाऊंगी। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। चाहती क्या हो तुम? एक आखिरी रिक्वेस्ट है, अगर तुम मानो तो तुम्हें हमजा के घर ले जाना। पागल हो गई हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? अपनी बीवी के खिलाफ गवाही सुनने के लिए मैं हमजा के घर जाऊं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? और आइंदा इसकी कोशिश मत करना, वरना मुझे लगेगा कि तुम मुझे जलील कर रही हो। हैदर, प्लीज। हैदर, लिसन। हैदर, मेरी बात तो सुनो। बहुत अफसोस हुआ, अब तो प्लेन पे भरोसा ही नहीं रहा। हमने तो बहुत बड़ा पहाड़ टूटा, समझ नहीं आ रही कैसे संभालूंगी इनको। क्या हो गया ये सब कुछ। हौसला रखें। कहां से लाऊं हौसला इतना। हाँ बोलो। सर आज आपको सादिक साहब के घर ताजियत के लिए जाना है। यार सच्ची बात यह है, मैं जानता ही नहीं हूँ। आई मीन ना कोई ऐसे फैमिली टर्म्स हैं, क्या करूँगा जाके यार। सर सबसे बड़ी बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं की तरफ से हमें मिला है। और ताल्लुकात तो बनाने पर बनते हैं, आप बेहतर समझ सकते हैं आगे। अच्छा ठीक है, तो तुम भी वहाँ पहुँचो वरना बहुत अनकम्फर्टेबल फील कर। ठीक है, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ, बाय। हाँ नहीं, मैं एक्चुअली एक जगह आया हुआ हूँ। हाँ मैं करता हूँ कॉल। ये हैदर साहब हैं, हैदर कंस्ट्रक्शन के सीईओ। दिल तोड़े होंगे और उनमें से कुछ ऐसे भी होंगे जिसका बढ़ता हुआ हाथ उसने थाम लिया होगा। मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, ऑफिस से बाहर निकाल दूंगा। मुझ पे उंगली उठाने से पहले अपनी बीवी से पूछो हमजा कौन है। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक मर्द है, वो आप। मैं हमजा हूँ। तारुफ करवाया अभी शफी।
एक्चुअली मैं भी अफसोस ही करने आया था. सॉरी फॉर योर लॉस. Big loss. Very big loss. Shocking. हम भी अभी तक शॉक में. आइए. चीजें हम लोग इस तरह से करते रहेंगे. तुम जानती नहीं हो किसी हमजा को? नहीं. बर्बाद कर लिया हमजा ने अपने आप को. हालत देखिए तुमने उसकी. दीवानों जैसी वहशत टपक रही है उसके चेहरे पर. ठीक हो जाएगा मॉम. ठीक होगा कब? अब तो उस लड़की की शादी को भी अरसा गुजर गया. तो उसकी मोहब्बत में नशा लगा लिया अपने आप को. पढ़ाई छोड़ दी. हंसना बोलना छोड़ दिया. यहां तक कि मैं कहूंगी रोना भी छोड़ दिया. बाहर की खाक तक छान के आ गया. लेकिन उसकी दीवान की बजाय कम होने के बढ़ती गई. अब तुम ही बताओ तुम्हारी डैड की
इतनी बड़ी बिजनेस ये एम्पायर कौन चलाएगा? हमसे संभालेगा मॉम। बिजनेस चलाने के लिए होश, अकल और डेडिकेशन की जरूरत होती है। जिस इंसान को अपने ही होश नहीं है वो क्या चलाएगा? संभालेगा मॉम, बिल्कुल संभालेगा। आप एक बार उसको बोलिए कि वो बिजनेस संभाले, वो आपकी बात जरूर मानेगा। ठीक है मॉम, हो गई हमसे गलती, नहीं रोका हमने उसे नशे करने से, लेकिन अभी भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है मॉम, नहीं करने देंगे हम उसे अपनी मनमानी। आप उसको बोले कि ऑफिस जाए, बिजनेस देखे, 10,000 मामलात होते हैं उनमें उलझ जाएगा बिजनेस की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दिल नशीन उसके दिल और दिमाग से निकल जाएगी। अल्लाह करे, इंशाल्लाह अल्लाह करे ऐसे हो। तुम लोगों की जिद और अना ने मुझे यहां ला खड़ा कर दिया है। क्या चाहते हो तुम? खुद को बर्बाद करना कोई प्रॉब्लम है? और इससे क्या होगा? सुकून। इसे सुकून नहीं, फरार कहते हैं हमसा। और ये तुम जिसके लिए कर रहे हो ना, वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है। मैं गई थी उसके घर, बहुत खुश है वो अपने शौहर के साथ। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी की मुस्कुराहट में फर्क होता है, समझो उसे। मजबूरी की मुस्कुराहट और खुशी के रंग अलग ही नजर आते हैं। खुश है वो अपनी जिंदगी में, भूल चुकी है वो तुम्हें। Get out. Get out! हमजा नहीं करो, हमजा सब सब। Get out. भूल चुकी है। नहीं भूल सकती हो मुझे, कभी भी नहीं।